देश की सेवा में तैनात बिहार का एक और बेटा शहीद हो गया है। बेटी की शहादत की खबर मिलने के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा है तो गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। शहीद आर्मी जवान पिंटू कुमार चौरसिया बिहार के बेतिया जिले के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के बेखबरा गांव का रहने वाला था। बेटे के शव को देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें कि बेखबरा निवासी नागेंद्र चौरसिया का 26 साल का बेटा पिंटू कुमार चौरसिया सेना के जवान के रूप में सिक्किम राज्य के डोकला में 54 बटालियन में तैनात था। वो जीडी के पद पर कार्यरत था। परिवार के मुताबिक पहाड़ पर चढ़ने के दौरान ऑक्सीजन की कमी से जवान की मौत हो गई और वो शहीद हो गया। सेना मुख्यालय में राजकीय सम्मान के साथ सलामी दी गई और बिहार स्थित दानापुर कैंप में शव को भेजा गया, जहां से सूबेदार मेजर रमाशंकर सिंह, प्रेम कुमार यादव, अनिल कुमार, प्रमोद कुमार, सतीश कुमार, विजय कुमार की देखरेख में बुधवार के दिन सुबह में बेखबरा पहुंचा। शहीद का शव गांव में पहुंचने के बाद सेना के जवानों सहित दरोगा सी के तिवारी दलबल के साथ अंतिम सलामी दी। वहीं सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और पूर्व विधायक बीरबल यादव ने भी जवान के शव पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बेटे की इस शहादत पर पिता ने रोते हुए कहा कि उनको अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। बता दें कि इससे पहले सोमवार को ही जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ हुए एनकाउंटर में बिहार के लाल और औरंगाबाद के रहने वाले सीआरपीएफ जवान संतोष मिश्रा आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में जांबाजी के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेतिया से शकील अहमद की रिपोर्ट।